जय हिंद विद्यार्थियों, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। तो विद्यार्थियों, हाई सेकेंडरी परीक्षा मई जून 2024 इतिहास फाइनली हिस्ट्री का लेकर आ चुका हूँ। आपका 80 अंक होने वाला है, 3 घंटा समय रहेगा, 23 क्वेश्चन रहेंगे, 8 पेज होने वाला है। बाकी मेरे हाथ में है लेकिन मैंने इसे फोटो खिंचाऊँ क्योंकि इसमें हाथ से बनाने में ना अच्छे से दिखता नहीं, इसलिए मैंने फोटो खिंचाऊँ और फोटो भी अच्छे से आया नहीं क्योंकि कैमरे की वजह से। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, आप यहाँ पर इंग्लिश एंड हिंदी दोनों वर्जन में आपका होने वाला है। बाकी रही बात सोल्यूशन की, तो सोल्यूशन में इसी वीडियो में एड कर दिया हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, ये आप देख सकते हो टाइपिंग द्वारा 21 का, इस तरीके से 20 का देख सकते हो, इसको उन्नीस देख सकते हो, 18 देख सकते हो, 17 देख सकते हो, 16, 15, 14 ये देख सकते हो, 13, 12 ये देख सकते हो, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, मतलब सभी सभी तरीके से मेरे हाथ में था, तो मैं टिक लगा करके फोटो खींचा था। ठीक है ना, ताकि आपको आसानी से आपको बताने में उसके लिखना ना पड़े, इस तरीके से देख सकते हो। हाँ, चलिए मैं पेपर दिखा देता हूँ क्योंकि एक ही पीडीएफ में एड किया हूँ, सभी को मैंने फोटो खींच रखा है, बाकी आपको यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए, ये आप यहाँ से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो, तो ये रुक जाना नहीं का है, फाइनली आप देख सकते हो, और 8 पेज और यहाँ पे 21 पेज दिखेगा लेकिन 21 पेज नहीं है, ये आपको इसी में सोल्यूशन भी एड है, 8 पेज है। ठीक है ना, ये देख सकते हो, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प उनका लिखना है, एक एक अंक। अच्छा क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हो, वह स्थल जहाँ हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन मिलेगा, 4 ऑप्शन में मोहनजोदड़ो राइट आंसर हो जाएगा, बड़ा नंबर। इसके बाद महाभारत की रचना की थी तो किसने की थी, 4 ऑप्शन मिलेगा, 4 ऑप्शन में राइट आंसर वेद व्यास हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, यहाँ पर देख सकते हो, इब्न इब्न बतूता निवासी था, कहाँ कहाँ था, 4 ऑप्शन फ्रांस, इटली, मोरक्को, उज़्बेकिस्तान। तो ये राइट आंसर लिख लेना, बाकी इसका राइट आंसर मोरक्को मोरक्को राइट आंसर हो जाएगा। इसका अबुल फजल द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताना होगा, आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन ऑप्शन वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको 18वीं सदी के उत्तरार्ध में जमींदार के राजस्व अधिकारी कहलाते थे, तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन मिलेगा, 4 ऑप्शन में मुंशी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद भारतीय संविधान अस्तित्व में आया, तो ये आपको पता ही होगा, 26 जनवरी 1950 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर क पर है, ये आपको कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, इंग्लिश वाले अपना स्क्रीन शॉट ले लेना, ये रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला देख सकते हो, हाजा पक्षी काले स्थान को कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, तो मैं आपको बोल दूंगा तो लिख लेना, तो मोर को कहा जाता है, मोर मयूर जिसे बोला जाता है। इसके बाद कहानी का संग्रह काले स्थान से लिया गया है, तो इसका आपको बताना होगा। इसके बाद महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं काले स्थान पिटक में दी गई थी, तो ये आपको बताना होगा, तो यहाँ पर सूत लिखना। किताब उल हिंद काले स्थान भाषा में लिखी गई है, तो अरबी भाषा में लिखी गई है। कालीन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा संतालिस्तान में की गई थी, तो आपको 18वीं सदी 1800 यह आपको लिखना होगा। इसमें शाहजहाँ के शासनकाल में पंजाब में खालिस्तान नगर की मरम्मत की करवाई गई थी, तो शाहनगर का नाम है, पंजाब में शाहनगर की मरम्मत कराई गई थी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से संतालिस्तान में वापस आए थे, तो 1915। ये आपको इंग्लिश वाली स्क्रीन शॉट ले लेना और यहाँ पर सही जोड़ी मिला लेना, मैं आपको मिला देता हूँ, क्योंकि उनके चार क्वेश्चन है, 4 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, तो इसका आपको सही जोड़ी का पहला का राइट आंसर मैं मिला देता हूँ। पहला का राइट आंसर 2 नंबर और दूसरा का राइट आंसर 2 नंबर, तीसरा का राइट आंसर आपका 6 नंबर, सॉरी अप नंबर का आएगा। इसके बाद आपको चौथा का आपका हो जाएगा ई नंबर, 5 का आपका राइट आंसर आपको 6 नंबर, ये आपको नीचे वाला का मुंबई तक का, ये आपको कंप्लीटली लास्ट में मिल जाएगा उत्तर। इंग्लिश वाले स्क्रीन शॉट ले लेना, यहाँ पर देख सकते हो, आपको एक एक अंक के आपको 7 मिलेगा, 7 नंबर यहाँ से भी बनेगा, छोड़ना नहीं है आपको। सिक्कों के अध्ययन को का क्या कहा जाता है, तो आपको यहाँ पर बताना होगा, तो मुद्रा शास्त्र, सिक्का जो रुपया होता है ना उसे पढ़ते हैं, उस किताब को क्या नाम है, मुद्रा शास्त्र। जैन धर्म में 24वें तीर्थ कर कौन से हैं, ये बताना होगा, तो आपको यहाँ पर इसका राइट आंसर आपको बताना होगा, तो आप लिख लेना, तो इसका आपका महावीर हो जाएगा, महावीर। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह। ब्रिटिश पार्ली या मेंट में 5वीं रिपोर्ट का प्रस्तुत की गई थी, ये 4 नंबर है।
तो इसका आपको राइट आंसर आपका हो जाएगा 1813 में, और झांसी की इसका झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो रानी लक्ष्मीबाई। किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, चोरी चोरा हत्याकांड। संविधान सभा के समस्त उद्देश्य प्रस्ताव किसने किसने पेश किया ये बताना होगा, तो आपको बता दूं यहाँ, इसका आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। इंग्लिश वाले अपना स्क्रीन शॉट ले लेना, यहाँ पे एक वक्त सॉरी एक शब्द एक वक्त में उत्तर लिखना है, सॉरी सब तक लिखना है, यहाँ पर लिख लेना है। तो इसका आपको देख सकते हो पहला क्वेश्चन, काली बंगल राजस्थान में है, तो ये आपको सही है क्योंकि आए तो सब लगाना। इंडिका नामक ग्रंथ की रचना कोटिल ने की थी, असत। भारतीय म्यूजियम कोलकाता की स्थापना 1816 ईस्वी में हुई थी, तो गलत है। सती प्रथा का वर्णन नीति तीन ने किया, गलत है, तीनों गलत है। दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति की संज्ञा दी थी, तो ये आपको सत्य। भूमिहार ब्रजजनों में महिलाओं को पुस्तैनी संपत्ति का अधिकार प्राप्त था, सत्य। इंग्लिश वाले स्क्रीन शॉट लेना, ये आप देख सकते हैं जो कि आपका ऑप्शन नंबर 6 नंबर है। सिंधु सभ्यता के पतन के दो कारण बताना होगा, तो इसका राइट आंसर आपको मैं बता दूं, तो फाइनली इसका आपको हो जाएगा जो कि सिंधु या हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण आपको दो, जल प्लावन या भूकंप दो ही आप लिखना, संक्रमण रोग तीन हो जाएगा, अथवा वाला नहीं देखाना है क्योंकि दोनों बताऊँ तो वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए मैं एक एक का उत्तर बताऊँगा, ठीक है। 7 नंबर देख सकते हो, भारत की यात्रा करने से पूर्व इवंतुता किन किन देशों की यात्रा कर चुका था, ये कोई व्यक्ति का नाम है। इसके बाद ये आपको क्या करना है, इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। इसका आपको मैं बता दूं इसका उत्तर, 1332 से 1333 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वह मक्का की तीर्थ यात्रा सरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान तथा पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारी बंदरगाहों की यात्रा कर चुका था। बाकी इसका बन जाएगा ऑलरेडी, मैं लास्ट में उत्तर बता दूंगा। 8 नंबर आप देख सकते हो, 8 नंबर आपको भक्ति परंपरा के दो मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं, 8 नंबर यहाँ पे हो जाएगा इसका उत्तर। भक्ति परंपरा के एक और विशेषता इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि आपको हाँ इसका लिख लीजिए उत्तर, भक्ति परंपरा की एक और विशेषता इसकी विविधता है। दूसरे स्तर पर धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा के दो मुख्य वर्गों में बांटते हैं, सगुण और निर्गुण। इस तरीके से पंपा देवी कौन थी, तो रामायण में पंपा सरोवर का उल्लेख किया गया है, और यहाँ पर इसी पर मतंग की शिष्या सबरी जो कि भगवान राम की एक पवित्र भक्ति थी, जो रोजाना अपने पवित्र मन से भगवान राम को याद करती थी, उसी को पंपा देवी कहा गया था। इसका इंग्लिश वाला स्क्रीन शॉट लेना, वीडियो मिल जाएगा लास्ट में उत्तर। 10 नंबर देख लीजिए, मैं एक एक का बता रहा हूँ। जजमानी व्यवस्था के बारे में लिखिए, 10 नंबर है। तो जजमानी व्यवस्था के बारे में लिखिए, तो जजमानी प्रथा भारत के ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत विभिन्न जातियों के परिवारों के बीच एवं सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था, जिसके अनुसार एक परिवार दूसरे को संपूर्ण रूप से कुछ नियत सेवाएं देता है, उसे कर्मकांड संपन्न करवाना, हजामत करवाना या कृषि हेतु मजदूरी करवाना, इस तरीके से हो जाएगा। इसको लास्ट में मिल जाएगा लिखा लिखा है, ठीक है ना। ये देख सकते हो, लठियान कौन था, तो इसका उत्तर लिखिए, लठियान का शाब्दिक अर्थ है वह व्यक्ति जिसके पास लाठी या डंडा हो, उसे जमींदार के डकैत यानी डंडेबाज पक्षधर होते हैं। मतलब कि मान लो आपका जमीन है और जमीन में आपके जमीन पर दूसरा कोई कब्जा कर लिया और लाठी लेकर आता है, आपका जमीन नहीं देता है, तो इसी को लठियान बोला जाता है, तो लाठीबाज हिंदी में लाठीबाज बोलते हैं, तो बहुत लाठीबाज हो इस तरीके बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी आप यहाँ पर 12 नंबर देख सकते हो। अवैध में क्रांति का जोर सबसे ज़्यादा क्या था, अवध में क्रांति का जोर सबसे बड़ा क्या था, 12 का उत्तर आप लिखें। अवध में विद्रोह के व्यापक प्रसार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण यह था कि इस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के ने राजकुमारों, ताल्लुकदारों, किसानों, सिपाहियों सभी को समान रूप से प्रभावित किया था। सभी ने अवध में ब्रिटिश शासन का स्थापना के परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार की पीड़ाओं को अनुभव किया था। यहाँ पे 3 नंबर देख सकते हो, असहयोग आंदोलन के कोई दो कारण लिखना। पहला नंबर हो जाएगा, अंग्रेजी द्वारा प्रस्तावित अन्यायपूर्ण कानूनों और कार्यों के विरोध में
देशव्यापी अहिंसा आंदोलन हो जाएगा। दूसरा नंबर हो जाएगा आंदोलन में स्पष्ट किया गया था कि स्वराज अंतिम उद्देश्य है। लोगों के ब्रिटिश शासन समाज खरीदने की सामान खरीदने से लेकर इनका इनकार कर दिया जाए और दस्तकारी के सामान में उपयोग को प्रोत्साहन कर, मतलब इसका वीडियो के अंत में बहुत अच्छे से मिलेगा उत्तर। इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड सहयोग आंदोलन की शुरुआत के लिए प्रेरक का काम किया। इस तरीके से बहुत बड़ा इसका तो है, ठीक है, आंदोलन की है। यहाँ पर देख सकते हो 14-13 नंबर असहयोग आंदोलन बता दिया। यहाँ पे देख सकते हो जो कि आपको 14 नंबर शाही नौ सेना विद्रोह कब और क्या हुआ यह लिखना। यह विद्रोह 18 फरवरी 1946 को जहाजों और समुद्र में बाहर स्थित जल सेना के कई ठिकानों पर हुआ। यूँ तो इस बगावत का आगाज मुंबई से हुआ था, लेकिन देखते देखते इसने कराची से लेकर कोलकाता और पूरे भारत को अपने जाल में ले लिया था, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने चलता हूँ, 15 नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें बोला गया है भारतीय संविधान की कोई दो विशेषताएं दीजिए। तो पहला नंबर हो जाएगा भारतीय संविधान प्रमुख विशेषताएं, सबसे लंबी लिखित संविधान है भारत की। दो नंबर हो जाएगा विभिन्न स्रोतों से लिया गया संविधान है, क्योंकि हर एक जगह से संविधान भारत ने लिया है और अच्छे अच्छे चार्ट करके, ठीक है ना। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने है 16 नंबर, प्राचीन भारत के विवाह संबंधित नियमों को लिखिए। मुझे पहले तो इसका आप लिख लीजिए, प्राचीन भारत पहले विवाह कैसे होता था। तो विवाह, इन विवाहों में ब्रह्मा विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह एवं प्रजापत्य विवाह को ही विधि सम्मत माना गया है। अंतिम चार प्रकार के विवाह विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्पन्न नहीं माना जाता है, मतलब किसी को भी पूर्ण रूप से नहीं मानते हैं। भारत में चार प्रकार के विवाह होता है। मानो कि कोई बोल, मतलब लास्ट में तुम्हें उत्तर पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है ना। अभी ये देख सकते हो प्राचीन भारत ये तो हो गया। सांची स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों का क्या योगदान रहा। तो भोपाल की दो शासिकाओं शाहजहाँ बेगम और सुल्तान जहाँ बेगम ने सांची के स्तूप को बनाए रखने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उन्होंने इसके संरक्षण के लिए धन भी दिया और इसके पुरावशेषों को भी संरक्षित किया। 1818 में इस स्तूप की खोज के बाद बहुत से यूरोपी का इसके पुरावशेषों से प्रति विशेष आकर्षण था। इसके बाद आपको 18 नंबर हो जाएगा, 18 नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। विजयनगर के शासकों ने जल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या क्या कार्य किए थे, इसका आप उत्तर लिखें। बहुत अच्छे से मैं बताता हूँ। विजयनगर की जल आवश्यकताओं को मुख्य रूप से तुंगभद्रा नदी से निकलने वाली धाराओं पर बांध बनाकर पूरा लिया गया और बांधों से विभिन्न आकार में हौजों और निर्माण किया जाता है। तो आप बड़ा है इसलिए मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है ना, क्योंकि श्रीलंकी प्रश्न है, बड़ा है। ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था से भारतीय क्यों असंतुष्ट है, वीडियो का उत्तर मिल जाएगा। यहाँ पर इसको महाजनपदों के चार विशिष्ट अभिलक्षणों को लिखना होगा, जो कि बड़ा है। वे सरिया और वाह सरिया सूफी परंपरा के दो बीच दो समानताएं और दो असमानताएं लिखना होगा, चार अंकी है। भारत छोड़ो आंदोलन के महत्व को स्पष्ट करना होगा और भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाना होगा। अब बहुत अच्छे से मैंने बता दिया, चलिए इसका सलूशन देखते हैं। इसी में मिल जाएगा, ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैं लिखाऊँ। पहले मोहनजोदड़ो, दूसरे वेद व्यास और तीसरे में मोरक्को और तीसरे में आइन ए अकबरी, इसमें मुंशी, इसमें 26 जनवरी 1900। ये देख सकते हो पहले में मोर, दूसरे में सूती, अरबी 1801 का नहीं मिला था आप लिख लेना, ये वही दोबारा आ गया है। सही जोड़ी अच्छे से मिला लेना। ये आपको एक वाक्य में उत्तर था तो मैंने बहुत अच्छे से लिख रखा है। ये सत्ता सत्ता पहला सत, दूसरा सत, तीसरा सत, चौथा सत, पचवा सत, सतवा सत। 6 नंबर देख सकते हैं और 7 नंबर, ये रहा 8 नंबर, ये 9 नंबर, ये रहा आपका 10 नंबर और ये आपका अगला आपका 11 नंबर। इसके बाद ये आपको 12 नंबर रहा, ये 13 नंबर, ये आपका 14 नंबर है, 15 नंबर, सॉरी ये 14 नंबर, ये 15 नंबर, ये 16 नंबर, ये 17 नंबर देख सकते हैं, ये 18 नंबर, ये 19 नंबर, ये 20 नंबर। 20 के बाद ये आपको 21 हो जाएगा और ये 22। तो आई होप कि आपको मैंने बता दिया, 23 नंबर में
नक्शा वगैरह तो आपसे बन जाएगा। आइए आपको समझ आ गया होगा, जो भी डाउट कमेंट करके पूछ लेना, चैनल सब्सक्राइब कर देना अपने दोस्तों के साथ, शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।